Good morning, my dear kids. Today we will continue our second chapter, Tasting to Digesting, from Tasting to Digesting. Page number 24 in your EBS book. This question is one at a time, put something to eat. इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ अंडर द ट ऑन द लिप्स ऑन द रूफ ऑफ माउथ यानि कि आप खाने की कोई भी चीज़ जीप के नीचे होटो पर या माउथ की रूप पर अगर आप रखते हैं देन डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर क्या तुम्हें कोई टेस्ट मिलता है आंसर इज नो बच्चों पता होना चाहिए आपको जब तक फूड सेलाइवा में मिक्स होकर के टंग के ऊपर ना हो वी कैन नॉट रिकोगनाइज द टेस्ट वी डू नॉट हैव एनी टेस्ट एंड अंटीलेनलैस फूड मिक्स विथ सेलैवा एंड ए टेस्ट इट लाइज ऑन द टंग। ऑन अवर टंग जब हमारी टंग के ऊपर फूड होता है और सेलैवा के साथ मिक्स होता है तभी हमें टेस्ट का पता चलता है राइट नेक्स्ट यूज अन क्लोथ टू वाइव योर इन फ्रंट वाइब द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो डैट इट इज ड्राई एक कपड़े से सूखे और साफ कपड़े से अपनी जीव को अच्छी तरह पहुँच लें ड्राई कर लें अपनी टंग को ड्राई कर लें और फिर शूगर या गुड़ वहाँ पर रखें अपनी टंग के ऊपर शुगर या गुड़ को रखें कुड यू टेस्ट एनीथिंग क्या तुम्हें कोई टेस्ट मिलता है वाई डिड दिस एपन्ट ऐसा क्यों आंसर इज़ नो आई कुड नोट टेस्ट ए थिंग इट इज़ बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा, ऑन द टंग जब तक हमारी टंग के ऊपर सलाइवा नहीं होता तब तक हमें फूड का टेस्ट पता नहीं चलता सलाइवा जरूर होना चाहिए सलाइवा मीन्स लार यानी मुंह में जो पानी आता है लार आती है उसको सलाइवा बोलते हैं जब ये फूड के साथ मिक्स होता है और टंग के ऊपर होता है तभी हमें किसी भी फूड का टेस्ट पता चलता है

टमाटर लाल टमाटर का स्वीट टेस्ट होता है और कुछ खट्टा भी और जूसी रसदार रसदार और कुछ कुछ खट्टा मीठा टमाटर का टेस्ट होता है ऑनियन मीन्स प्याज पंजेंट पंजेंट मीन्स तीखा प्याज का तीखा टेस्ट होता है रोटी के साथ सब्जी के साथ हम प्याज को खाते हैं ओके अगर आप अकेले खाली प्याज खाते हैं तो वो बड़ी तीखी लगती है पंजेंट मतलब तीखा टेस्ट सौंप सौंप का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है स्मेल अच्छी होती है और मीठा टेस्ट होता है स्वीट विद नाइस स्मेल गार्लिक यानी लहसुन गार्लिक मीन्स लहसुन इसको अकेले नहीं खा सकते कोई भी लहसुन को अकेले नहीं खा सकता इसको हमेशा रोटी सब्जी के साथ ही खाया जाता है क्योंकि इट इज़ हाईली पंजेंट इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा तीखा होता है ओके और कुछ कुछ कड़वा कटु और तीखा टेस्ट होता है गार्लिक का यानी लहसुन का राइट right? नेक्स्ट जंपा टेस्टेड समथिंग शी राइट इस तरह जम्फा ने कुछ खाया उसमें मुंह में खाया और फिर वो इस तरह आवाज़ निकालने लगी जैसे कि उसका मुंह जल गया हो वह क्या चीज़ हो सकती है जो उसने जम्फा ने खाई है आंसर है सी में हैव इटन चिली चिली मीन्स मिर्च चिली का मतलब होता है मिर्च जम्फा ने ज़रूर ही मिर्च खाई होगी जिसकी वजह से उसका मुंह जल गया है और वह ऐसी आवाज़ निकाल रही है ऐसे इस तरह आप भी अगर आप मिर्च खाते हैं बच्चों तो आपको भी मिर्च जब मिर्च लगती है तब भी आप ऐसी आवाज़ साउंड निकालते हैं और फिर आप तुरंत पानी पीते हैं या फिर कुछ मीठा खा लेते हैं जिससे कि वह चिली का जो है पंजेंट और तीखा होट टेस्ट उसको कम कर दें पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन हेयर हैज़ एनी वन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड च यू वेल क्या घर पर आपको किसी ने बताया है कि धीरे धीरे खाए खाना चाहिए फ़ूड को और अच्छी तरह चबाना चाहिए सो डैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली जिससे कि फूड डाइजेस्ट हो जाए अच्छी तरह से वाई डू यू थिंक दस थे दिस ऐसा क्यों कहते हैं क्या आप क्या समझते हैं कि बड़े लोग जो पेरेंट्स हैं आपको कहते हैं कि खाना अच्छी तरह चबा कर धीरे धीरे खाओ तो आंसर है येस माई मदर टू ऑलवेज टेल्स टेल मी ईट स्लोली एंड च्यू वेल च्यू मींस चबाना सी एच ई डब्ल्यू च्यू च्यू मींस चबाना वेल well मीन्स अच्छी तरह भोजन को अच्छी तरह चबाना चाहिए धीरे धीरे खाना चाहिए आई थिंक प्रॉपर चीविंग इज नेसेसरी अच्छी तरह चबाना बहुत आवश्यक है ज़रूरी है फॉर इजियर स्वेलोइंग स्वेलोइंग मीन्स निगलना, आसानी से फ़ूड को निगलने के लिए फूड को चबाना बहुत ज़रूरी है इट इज इट इज ऑल्सो हेल्प डाइजेस्ट द फूड और फूड को हम जब अच्छी तरह चबाते हैं तो ये फूड को डाइजेस्ट भी करता है फूड डाइजेस्ट होना यानी फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना फ़ूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाएं और न्यूट्रिएंट्स हम यूज कर सकें न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फ़ैट्स मिनरल्स एंड विटामिनस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन मिनरल्स इनको न्यूट्रिएंट्स को इन न्यूट्रिएंट्स को अलग करने के लिए ही डाइजेशन होता है इसी प्रोसेस का नाम डाइजेशन है जब फूड में से ये न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाते हैं तो जो वेस्ट होता है फिर वो हम बाहर निकाल देते हैं एनस के थ्रू राइट यह दिस इज डायग्राम ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है यहाँ पर आप मुंह से जो है खाना खाते हैं यहाँ पर जो है फेरिंग्स है फेरिंग्स यानी ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज फूड पाइप इज फूड पाइप दिस इज स्टमक इसको स्टमक इस बोलते हैं स्टमक के बाद यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और ये है एनस तो ये एनस फूड का पूरा रास्ता यहाँ से है डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से जो है फेरिंग्स में जाता है फेरिंग्स पी एच ए आर वाई एन एक्स फेरिंग्स फेरिंग से जो है यहाँ पर फूड पाइप में जाता है फूड पाइप से स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा फिर और फिर बाहर वेस्ट बाहर निकल आएगा यह डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है सभी में कॉमन होता है सभी ह्यूमन बींग में यह फूड ट्रैक कॉमन होता है फूड जो है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जाता है तो ये हमें इस डायग्राम से समझ में आता है तो ये क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए थैंक यू और चैप्टर वन सुपर सेंसेस एंड चैप्टर टू फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग दीज आर दी थी टू चैप्टर्स आर इन योर सिलेबस ऑफ पी ए वन एग्ज़ाम पी ए वन पीडिक असेसमेंट जो कि आपके ट्वेंटी सेकेंड मई से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें ये टू चैप्टर साइंस में आएंगे इसलिए प्यारे बच्चों अच्छी तरह इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद कीजिए और तैयारी कीजिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे